अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, घुटने की कार्टिलेज खिसती जा रही है, घुटने से कटकट की आवाज़ आती है, उठने बैठने चलने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ़ होती हैं और घुटने में सूजन भी रह रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कार्टिलेज बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खानी चाहिए, कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचार नुस्खे बताऊंगी और जिससे आपके दर्द में आपको आराम मिलेगा। और तीसरे में आपको मैं अगर घुटने में गैप बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए घरेलू व्यायाम बताऊंगी जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। घुटने में जो समस्या उत्पन्न होती है, दर्द होता है, ये एक एज रिलेटेड समस्या होती है। घुटने में जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारी कार्टिलेज जो है वो घिसती चली जाती है। और ना ही एक घुटने में ही सिर्फ ये समस्या देखने को मिलती है, ये हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उनमें भी कार्टिलेज होते हैं। छोटी छोटी हड्डियों के बीच में बहुत ही मुलायम सी हड्डी होती है जिसे हम गद्दी बोलते हैं, तो वहाँ भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो उम्र के साथ साथ आपको कमर में दर्द, गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं या सर्वाइकल की समस्याएं भी वहीं से उत्पन्न होती हैं। तो ये कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज होते हैं, ये ज़्यादातर तीन तरह के होते हैं। इनमें से जो आपकी घुटने की कार्टिलेज है यानी जो ग्रीस ख़त्म हो रही है या फिर आपकी जो सर्वाइकल की समस्या हो रही है उसमें भी ये फाइबर कार्टिलेज इनको बोला जाता है। दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जैसे घुटने में भी दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं और इनके बीच में होता है कार्टिलेज। तो जैसे ही हमारा कार्टिलेज घिस जाता है, तो कार्टिलेज जब घिस जाता है तो जो घुटने की गैप है वो पहले इतनी रहती है, ज़्यादा रहती है तभी तो बीच में वो कार्टिलेज यानी चिकनाई रहती है, वो उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। घिसने के बाद ये धीरे धीरे हड्डी एक दूसरे से चिपकती है, तो कभी इस तरह से चिपक जाती है, कभी इस तरह से चिपक जाती है। और जब चलते हैं या मोड़ते हैं पैर को या कमर को हिलाते हैं मोड़ते हैं तो वो रगड़ खाती है, और जब रगड़ खाती है तो हड्डियाँ घिसती हैं, टूटती हैं और सूजन वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो नस गई हैं वो नस वहाँ पर दब जाती हैं, तो नसों में खिंचाहट हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द और अलग अलग समस्याएं, सियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है, नसें भी दब जाती हैं। तो इसको कैसे हमें बढ़ाना है घरेलू उपचार की मदद से, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए वो हम जान लेते हैं। कार्टिलेज जो होती हैं, जो गद्दी हमने बताया, इसको बनाने के लिए इसका जो खाना होता है वो होता है कोलेजन। हमारे शरीर में अगर कोलेजन बढ़ता ही जाएगा, उसकी मात्रा सही रहेगी, तो कभी भी कार्टिलेज में जो समस्या आ रही है, कार्टिलेज घिस रही हैं, ख़त्म हो रही हैं यानी चिकनाई ख़त्म हो रही है, वो समस्या नहीं आएगी। अभी कोलेजन को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में हमें क्या क्या खानी चाहिए, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सैल्मन नामक मछली आती है, समुद्री मछली, उसे खाइए, इसमें बहुत अच्छे मात्रा में आपको मिल जाएगा कोलेजन। दूसरा होता है जो सी फूड्स में आते हैं सेल्स, जो जिसे हम हिंदी में घोंघा बोलते हैं, वो खाइए। बहुत सारे लोग पहले खाते थे इसे, तो उससे भी आपकी जो ये कोलेजन की समस्या है वो भी बननी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या क्या खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन सोया मिल्क का इस्तेमाल करें, सोया मिल्क लेना शुरू कर दें, या सोयाबीन जो आती है उसे अपने खाने में शामिल करना शुरू कर दें। ब्रोकली आप ले सकते हैं, मेथी ले, पालक ले, मेथी की जो पत्ते वाली आती है, मेथी के पत्ते की साग, वो पालक के साग, ये खाना शुरू करें। मेथी के बीज को भी भिगोकर रात में खाना शुरू कर दें, इससे भी जो आपकी कार्टिलेज डैमेज हो रही हैं वो दोबारा से बननी शुरू हो जाएंगी, चिकनाई बननी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अपने खाने में शामिल करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने खाने में कैसे शामिल करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ बीजों को लेना है। अब ये बीज में आपको सबसे पहले चिया सीड्स होते हैं, हम मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं चिया सीड्स के ऊपर, आप वो खा सकते हैं, या तुलसी के बीज आप ले सकते हैं, या अलसी, अलसी मैं हमेशा बोलती हूँ खाने के लिए, अलसी को अपने खाने में शामिल करें, उससे आपको इसकी कमी दूर हो जाएगी। अलसी के बीज को हल्का रोस्ट करके उसके पाउडर बनाएं और उसको अपने खाने में शामिल करना शुरू कर दें। अभी हम जान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर सूजन हो गया हो, जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कार्टिलेज बहुत घिस जाती हैं, तो उसे हम कैसे सूजन को थोड़ा कम कर सकें और दर्द में आराम मिल सकें घरेलू उपचार,
तो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि हल्दी दूध बनाकर लेना शुरू करें। जैसे कि अदरक को अपने खाने में शामिल करें, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, दो काली मिर्च, और साथ में आपको ले लेना है मेथी। मेथी के बीज को रात में भिगोकर खाना शुरू कर दें, इससे भी आपकी जो सूजन की समस्या है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। कच्ची हल्दी दर्द पेन किलर का काम करती है नेचुरल, उसे लेना शुरू करें। कच्ची हल्दी नहीं है तो हल्दी का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए दो बहुत ही ज़रूरी व्यायाम हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला व्यायाम है कि आपको अपने जो घुटना है उसको नीचे रखना है। आपके घुटने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं दर्द की वजह से और घिस जाने की वजह से, तो घुटने को नीचे की तरफ दबानी है और छोड़नी है, नीचे की तरफ दबानी है छोड़नी है। इस प्रकार से आपको करने से आपके घुटने की जो चिकनाई है दोबारा से बननी शुरू होने लग जाएंगी। और दूसरा व्यायाम में आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, इसे हम बोलते हैं ट्रैक्शन टेक्निक, जिसे आपके घुटने में जो कार्टिलेज घिसने से गैप कम हो गई है उसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमें पानी के दो बोतल चाहिए और ये दोनों ही बोतल को पहले आधा आधा भर के आप इसे करें, फिर इसे पूरा भर के करें। शुरुआत में आधा ही बोतल भरना, यानी एक लीटर का बोतल है तो आधे लीटर का पानी भरना है आपको। दोनों ही पैर में ये बोतल को बांध दें एक कपड़े की मदद से, और या फिर आपके पास कोई वेट का सामान है तो वो बांध दें, और पैर को आपको लटका के नीचे रखना है। पैर को लटका के नीचे रखना है, धीरे धीरे ऊपर उठाना है, फिर लटका के नीचे रखना है। ऐसा करने से आपके घुटने में जो गैप दूरी कम हो गई थी जिससे रगड़ खा रही थी और दर्द और सूजन रह रहा था, वो धीरे धीरे वापस से उसमें गैप बन जाएगी और ये सारी समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। नसें जो दब गई थी उसमें भी आपको वहाँ पर राहत मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको दर्द है तो एक बैंडेज मैं बता देती हूँ बनाना, जिसे आप पैर पर बांध सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक बर्तन में तेल डालें, सरसों का तेल ले लें, और इसमें आपको डाल देनी है नमक, एक छोटी चम्मच नमक डाल देनी है, और हल्दी का पाउडर डाल देना है एक छोटी चम्मच से, और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। आप अंडा जो होता है पूरा एक अंडा तोड़ कर डाल दें और इसे मिला दें। अंडे से प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा यहाँ पर ले सकते हैं, एलोवेरा का जेल अच्छे से इसे मिला दें, और इसे एक आटे की रोटी जो हम खाते हैं ना उसकी रोटी बेल लें लंबी सी, उसके ऊपर इसको लगा दें और पूरे घुटने पे पीछे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी अच्छे से बांध दें और पट्टी कर दें, यानी अच्छे से इसे कपड़े से बांध दें और रात भर इसे ऐसे ही रहने दें। सुबह इसको हटाएं, आपको दर्द में बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। घुटने के दर्द में जॉइंट सपोर्ट की टैबलेट भी आती है, आप वो ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स दी रहती है कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ग्लूकोजामाइन होता है, कॉन्ड्राइटिन होता है, और घुटने की जो कार्टिलेज है उसको बनाने के लिए जो चाहिए वो होता है। इससे दर्द में आराम नहीं होगा, लेकिन हाँ कार्टिलेज को बनने में ये मदद करेगी। अगर आप इतने सारे झमेले यानी जो हमने बताया वो सब आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये टैबलेट खरीद कर खा सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछकर। ये जॉइंट सपोर्ट की टैबलेट आती है, बहुत सारी कंपनियों की भी आती है, अलग अलग कंपनियों की जॉइंट सपोर्ट की टैबलेट आती है, उसे ले सकते हैं। इसके मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगी नाम, आप वहाँ से सर्च करके इसे ले सकते हैं, बहुत ईजिली आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। दर्द है तो एक बात और बहुत ध्यान में आया मुझे, घुटने पे आप हमेशा अगर बैंडेज मिलती है, नी कैप्स बोलते हैं उसको, मिलती है वो रखें बांध कर। अगर वो नहीं है आपके पास तो एक कपड़े से घुटने को टाइट से बांध कर अगर चलना हो तभी चले, ताकि आपकी समस्या ज़्यादा ना बढ़े। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और जो भी पूछना है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।